ईशांत के यॉर्कर पर गिर पड़े रसेल, पंत ने लगाई लगातार 6 बाउंड्री, दिल्ली ने नहीं लिया DRS, तो नरेन को मिला जीवनदान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन के विशाल अंतर से हरा दिया। विशाखापट्टनम में बुधवार को कोलकाता ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 17.2 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई। सुनील नरेन ने 39 बॉल पर 85 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के दौरान कई रोमांचक मोमेंट्स देखने को मिले, जैसे दिल्ली के कप्तान पंत के DRS नहीं लेने से सुनील नरेन को जीवनदान मिला। ईशांत शर्मा की यॉर्कर पर आंद्रे रसेल क्रीज पर ही गिर पड़े और बोल्ड भी हो गए। कोलकाता की पारी के दौरान ईशांत शर्मा की यॉर्कर पर आंद्रे रसेल क्रीज पर गिर गए और बोल्ड भी हो गए। KKR की पारी के 20वें ओवर में ईशांत शर्मा ने पहली बॉल 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। रसेल यॉर्कर रोकने और खुद को बचाने के चक्कर में क्रीज पर ही गिर गए, लेकिन ईशांत की बॉल उनके स्टंप बिखेरती चली गई। इससे पहले रसेल ने 19 बॉल पर 43 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जमाए। ऋषभ पंत ने 12वां ओवर फेंकने आए वेंकटेश अय्यर के ओवर में लगातार 6 बाउंड्री जमाई, इनमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। पंत ने ओवर की पहली गेंद पर हुक शॉट खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर 4 रन के लिए पहुंचाया, वहीं दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए पहुंचाया। ओवर की तीसरी गेंद को पंत ने फाइन लेग की तरफ से 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। फिर ऑफ स्टंप के बाहर आई चौथी गेंद को पॉइंट के पीछे 4 रन के लिए भेजा, वहीं पांचवी गेंद को स्क्वायर लेग पर 4 रन के लिए बाउंड्री के पार पहुंचाया और आखिरी गेंद को भी 4 रन के लिए भेजा। वेंकटेश के इस ओवर में 28 रन बने। इस ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 125 पर 4 हो गया। दिल्ली की ओर से चौथा ओवर ईशांत शर्मा फेंकने आए सुनील नरेन ने शुरुआती 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के और तीसरी गेंद पर चौका मारा। फिर ईशांत ने चौथी गेंद शॉर्ट लेंथ पर डाली, जिस पर नरेन ने पुल करने का प्रयास किया और बॉल बल्ले के करीब से होती हुई पंत के दस्तानों में चली गई। पहले तो इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसी बीच फील्डर ने कैच की अपील की तो कप्तान ऋषभ पंत कंफ्यूज नजर आए। फिर काफी देर बाद DRS लेने का इशारा किया, लेकिन तब तक 15 सेकंड का टाइम निकल चुका था। बाद में टीवी रिप्ले से पता चला कि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूते हुए पंत के हाथों में गई थी। कोलकाता की पारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी पंत ने DRS नहीं लिया। ये ओवर रसीक सलाम फेंक रहे थे। रसीक की 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल को श्रेयस अय्यर पुल करना चाहते थे, लेकिन वे चूक गए और बॉल फिर पंत के दस्तानों में चली गई। रसीक सलाम को लगा कि गेंद बल्ले से लगकर गई है। उन्होंने पंत से पूछा कि कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन पंत ने इनकार कर दिया और DRS नहीं लिया। बाद में टीवी रिप्ले में दिखा कि बॉल अय्यर के बल्ले से लगकर गई थी। अगर पंत इस पर DRS ले लेते तो दिल्ली को विकेट मिल जाता। कोलकाता की पारी के 5वें ओवर में डेविड वार्नर से ओपनर फिल शॉर्ट का कैच छूट गया, हालांकि बॉल पर ट्रिस्टन स्टब्स को कैच थमा बैठे। हेनरिक नोटिया के ओवर की दूसरी गेंद को शॉर्ट ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला, वहां वार्नर कैच लेने के लिए आगे आए लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। शॉर्ट ने इस गेंद पर 2 रन भी लिए। अगली गेंद को शॉर्ट ने मिड ऑफ की तरफ खेल दिया। इस बार फील्डर क्रिस्टन स्टब ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़कर सॉल्ट को पवेलियन की राह दिखाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।